लीजिए मैं खड़ा हूँ अभी फेरा वोंग वाट फेरा वोंग ऐसे कुछ नाम प्रोनाउंसिएशन तो हो नहीं पाएगी। इसको बिग बुद्धा टेंपल के नाम से आजकल ज़्यादा जाना जाता है, हम लोग इसको ज़्यादा आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर है 17 मीटर ऊंचा बुद्धा जी का स्टैचू जो बिल्कुल पीछे है, और 1940 में ये टेम्पल बना था जब पटिया एक फिशर्स मैन विलेज से ज़्यादा कुछ नहीं होता था, मछुआरों का एक गांव ही था तब तक, तो तब इसको बनाया गया था। और उसके बाद आज के टाइम पे यहाँ टूरिस्ट बहुत सारे आते हैं, यहाँ पर लोकल लोगों की बहुत मान्यता है इस मंदिर में, लोग यहाँ आते हैं और अपनी जो भी ब्लेसिंग्स हैं मॉन्क्स से वो लेते हैं। जैसे आप घुसते हैं ना, आपको एंटर करते ही लेफ्ट राइट पे गोल्डन कलर के ड्रैगन दिखाई पड़ते हैं और छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, और सामने एकदम बिल्कुल बुद्धा का स्टैचू दिखता है 17 मीटर हाइट का बता रहा। और जैसे ही आप चढ़ना शुरू करते हैं वो दोनों ड्रैगन ऐसे लहरों की तरह आपके साथ आगे बढ़ते हुए महसूस होते हैं, और फिर आप सामने पहुँचते हैं तो स्माइल करता हुआ प्यारा सा बुद्धा का स्टैचू आपको दिखता है। उसके सामने 20-20 10-10 के नोट के पेड़ बनाए गए हैं, जो भी आते हैं वो ब्लेसिंग लेने के लिए उस पर वो नीचे स्टिक रखी है, उसमें आप अपने नाम से 20 रुपये का या 50 का जो नोट है उसमें आप लगाइए और उसमें फिक्स कर दीजिए, वो वहाँ पर रहता है। तो बहुत सारे 20-50 के नोट मैंने वहाँ लगे हुए देखे, ज़्यादातर 20 रुपये के नोट हरे रंग के, तो पहचानना आसान है, वो ज़्यादा विजिबल दिए वो मुझे नज़र आए। जब आप देखोगे ना तो ड्रैगन के मुँह से 10 अलग अलग स्नेक ऐसे निकल के बाहर आ रहे हैं, जैसे आप घूमना शुरू करते हो स्टैचू के पीछे की तरफ आते हो तो आप नोटिस करते हो कि 7 अलग अलग स्टैचू हैं और हर एक के ऊपर दिन लिखा हुआ है। सबसे पहले संडे लिखा है, फिर मंडे ट्यूसडे। अगर आपको अपना डे ऑफ बर्थ पता है तो आपको पता होगा कि कौन सा स्टैचू आपके डे ऑफ बर्थ के साथ मैच करता है, और फिर आप मॉन्क के पास जा कर के उस दिन के बारे में या अपने डे ऑफ बर्थ के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी रेलिवेंस का पता कर सकते हैं। कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि आप पढ़ो और आप समझ जाओ। पीछे लास्ट में आपको दिखेगा एक स्टोन जिसमें कटिंग करके कार्विंग करके पानी रखा है, उस पर आप हाथ लगाइए और वो ले लीजिए, तो ये इस चीज़ के काम आता है। और यहाँ से जब आप बाहर देखते हैं, जिस जगह मैं खड़ा हूँ अभी, तो आपको पटिया शहर दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े स्काई स्कैपर दिखते हैं और उसके पीछे की तरफ पहाड़ दिखते हैं। ये पहाड़ कुछ वैसे ही हैं, जब आप चंडीगढ़ के सुखना लेक पे खड़े होते हो पहले झील नज़र आती है और उसके पीछे पहाड़ नज़र आते हैं। तो ऐसा लगता है मुझे यहाँ करके कि पटिया शहर हर तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहली बार ये चीज़ का एहसास होता है आपको, हैरानी की बात है, पहाड़ भी हैं, प्लेन जगह भी है और समंदर भी है, और बीच में हम लोग उबल रहे हैं अंडे की तरह, गर्म बहुत है। राइट साइड में आप देखोगे ना तो जमैक्टन बीच है वो नज़र आता है, जिसको मैं बोल रहा था कि ऐसा फील आता है कि एक बाउल है, ऊपर जो आइलैंड के पहाड़ दिख रहे हैं वो का किनारा, बीच में पानी और उसके बीच में ये शहर बसा हुआ जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठंडी हवा इस वक्त है यहाँ पे, मज़ा बड़ा आ रहा है। मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टैचू है बुद्धा का जो मेरे डे ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच करता है, और सबके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना होगा। देखते हैं। अच्छा, बुद्धा स्टैच टेम्पल में जब भी आप आओ तो पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनना, यहाँ इतना बड़ा रूल नहीं है वैसे मॉनेस्ट्री के अंदर खास तौर से, और कैप सर पे नहीं रखनी है, हटा दीजिएगा, है ना। तो मेरा डे ऑफ बर्थ है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के हिसाब से मुझे देखना है कि कौन सा स्टैचू मेरे साथ मेरे डे के बर्थ के साथ मैच करता है। अभी जो मेरे को सामने स्टैचू नज़र आ रहे हैं ये है मंडे, इसमें बुद्धा खड़े हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर आते हैं द नेक्स्ट वाले, ये है इसमें बुद्धा लेटे हुए, जो बाहर देखते हैं वहाँ कॉइन डाल सकते हैं, लोग इसको निकालते हैं, ये लॉक लगा है, जितनी भी डोनेशन चैरिटी आप करेंगे उसके लिए लगते हैं, वो यहाँ से निकाला जाता है। वेडनेसडे के हिसाब से ये है, तो यहाँ पर बैठे
कि सारे जितने भी स्टैचू यहाँ हैं ये सब स्माइलिंग हैं, सबके चेहरे पे स्माइल। ये एलिफेंट है जो उनको पानी ऑफर कर रहे हैं उस एनिमल के बर्तन के अंदर हवा करते हुए, नहीं कि उनको हवा करते हैं। इस वक्त जंगल में रहे हैं सब जानवर हारमोनियम के साथ किसी को आशीर्वाद देते हुए। यहाँ पर भी घोड़े के स्टैचू लोग खाने के लिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। ओके, ये मेरा मेरे वेडनेसडे के लिए है। वेडनेसडे का एक और भी है, अच्छा ले लीजिए। थर्सडे होना चाहिए था इसको, अच्छा थर्सडे उधर है। वेडनेसडे के दो स्टैचू एक और हैं जिसमें बुद्धा खड़े हैं, हाथ में भिक्षा पाती है। बुद्धि वेडनेसडे से रिलेटेड है, तो वेडनेसडे के नाम से मुझे दो स्टैचू मिल रहे हैं। मेरे जैसी पर्सनैलिटी पैदा हुआ है तो चार भी हो सकते सारे। बुधवार के बाद सीधा शुक्रवार और बुधवार इस यहाँ बुधवार अपने हाथ में ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे बता रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोटा स्टैचू नीचे भी है, देखिए यहाँ पर नीचे उनके भी हाथ की पोजीशन बिल्कुल ऐसे है। और ये है थर्सडे, जिनका डेट ऑफ बर्थ थर्सडे को होता है वीरवार, ये उनके लिए है। बुद्धा बैठे स्माइल करते हुए ध्यान की मुद्रा में, इसको लोटस पोजीशन कहा जाता है। यहाँ लोग हैं ऑक्सीजन के लिए, और ये पीपल के पत्ते को जैसे पेंट करके लगाया गया है। यहाँ लोगों के डेट ऑफ बर्थ लिखी है और नाम लिखा है, सिल्वर और गोल्डन कलर दो ही रंग। फोटो भी नहीं जा रही है, खड़े होकर फोटो ले रहे हैं। नाम लिखा आपने, एक छोटा सा मैसेज लिखा या अपना एड्रेस, मैसेज के साथ साथ अपना नाम और एड्रेस भी लिखा और लगा दिया। कुछ टाइम बाद ये मिट जाता है, सब पे नहीं लिखा हुआ या कुछ लोगों ने, कुछ दिन बाद ये मिट जाता है। ये इन्होंने
लकड़ी से एक बार में बजाएंगे तो ये बेल लकड़ी के लिए गुड लेकर आएगी, ऐसे यहाँ के लोगों की मान्यता है। कितनी सारी बेल ये अंदर से नहीं बजती है, आपको ऊपर मारना है लकड़ी को तब इससे साउंड क्रिएट होगा। ये गुड लकड़ी लेकर के जाते हर एक जगह पर जाइए और लकड़ियाँ कुछ कन्फ्यूशियस के बारे में आपने सुना होगा, तो कन्फ्यूशियस का टेंपल है जिसे ताओ टेंपल भी कहा जाता है। ताओ धर्म शायद कन्फ्यूशियस ने स्टार्ट किया था, मैं जानता नहीं ज़्यादा बारे में, पर ये ताओ टेंपल है जो बहुत नज़दीक है यहाँ से। जैसे कुछ मीटर चलेंगे राइट हैंड साइड पर, तो एक बार मैं ये पटाया व्यू पॉइंट है एक्चुअल में जहाँ इस वक्त खड़े हैं, लोग यहाँ आते हैं सेल्फी खींचते हैं और यादें साथ लेके जाते हैं।